रेडी रेडी स्टार्ट। भारत अंग्रेजों की दास्ता से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को अंगीकार करने के साथ ही सर्वप्रभुत्व संपन्न जनतंत्रात्मक गणराज्य बना। जब भारत स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई तो ब्रिटेन के साथ विश्व के कई देशों का मानना था कि यह देश अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगा और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकेगा। लेकिन तब से लेकर आज तक तब के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज की राजनीति के साधन और साध्य संविधान निर्माताओं की सोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने संभवतः यह नहीं सोचा होगा कि भविष्य में देश के राजनीतिक मूल्यों में इतनी अधिक गिरावट आ जाएगी। यह अलग बात है कि राजनीतिक मूल्यों में ह्रास स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही आरंभ हो गया था। आज आज़ादी के 66 वर्षों के बाद भी राजनीतिक स्वरूप अत्यंत दूषित हो गया है। राजनेताओं ने अपने क्रियाकलापों के द्वारा राजनीति को इतना निम्न स्तर का बना दिया है कि आज का सुशिक्षित युवा वर्ग राजनेताओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगा है। वह राजनेता बनने के लिए तैयार नहीं है। हम संवैधानिक रूप से बेशक राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारा अपने देश की धरती, आकाश और जल पर नियंत्रण है। बेशक हमने आशातीत विकास कर लिया है कि हम एशियाई महाद्वीप में तेजी से उभरती एक महाशक्ति हैं। हमने आईटी, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं हमने राजनीतिक मूल्यों के सभी मानदंडों को नस्ते नाबूद कर देश को राजनीतिक अस्थिरता की ओर अग्रसर भी कर दिया है। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक ऋण मुक्त और संपदा संपन्न एक राष्ट्र थे। हमें सारे संसार का मार्गदर्शन करने वाला सक्षम राष्ट्र माना जाता था। परंतु जो हुआ है और आज जो हो रहा है वह देश के हित की अपेक्षा राजनेताओं और उनके वंशजों के व पूंजीपतियों के हित में अधिक हो रहा है। देश का तो जो विकास हुआ वह तो भगवान के भरोसे ही हुआ, अथवा कुछ देशभक्त वैज्ञानिक, इंजीनियरों, तकनीशियनों के द्वारा हुआ। फिर देश का कितना विकास होना
चाहिए था और कितना हुआ, इसे देखने का अवकाश किसी को नहीं हुआ। देश के विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनका प्रयोग नेताओं ने स्वहित के लिए किया, उनका आर्थिक विकास होता चला गया। ब्राह्मण।